शहर में घूम घूम कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले दो आरोपियों और एक अपचारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा थाना उतई, नेवई और भिलाई नगर में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इनके कब्जे से एक चार पहिया वाहन, 5 नग मोटरसाइकिल, 18 नग मोबाइल, 1 कटर मशीन, टुल्लू पंप तथा सोने व चांदी के लॉकेट को बरामद किया है। आरोपियों द्वारा लगातार की जा रही चोरी की घटनाओं के मद्देनजर इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा संदेही पर निगाह रखी जा रही थी, जिसके फलस्वरूप आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सका। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पूरे मामले की जानकारी दी। आज दो बालक और एक नाबालिग बालक, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा पिछले एक हफ्ते में 11 चोरी के प्रकरण दर्ज है, जिसमे की 1 पिकअप की चोरी, 5 बाइक की चोरी, 18 मोबाइल की चोरी और इन चोरियों के बाद टुल्लू पंप और ड्रिलिंग मशीन को इन्होंने चोरी किया और फिर एटीएम को की चोरी करने की इन्होंने कोशिश की। एटीएम में इनके चेहरे जो है सीसीटीवी फुटेज में जब्त हुए। क्राइम टीम द्वारा जो है पर्दाफाशी करके इनको पकड़ा गया। ये पूर्व में भी सेंट्रल जेल में और जुबेलाइन होम में बंद रहे हैं दोनों बच्चे और कहीं ना कहीं लगातार चोरी के केसेस में फंस रहे हैं। निश्चित रूप से इनको जो है अभी कार्रवाई की जाएगी और बाकी भी नाबालिग बच्चों पर नज़र रखी जाएगी।